में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। महिला और बच्चियों की सुरक्षा की मांग की गई। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार जैसी घटना को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। वहीं युवा कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं तो महिला और बच्चों की सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार जैसे अपराध पर प्रदेश सरकार लगाम लगाने में असमर्थ हो रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेसी द्वारा खंडवा रोड स्थित आसाराम बापू चौराहे पर केंद्र व राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी कर विरोध किया गया। हालांकि पुतला दहन करते समय पुलिस और कांग्रेसियों की झूमा झटकी हुई। कांग्रेस नेता सनी गवाई ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के चलते शासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रदेश सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अपराधियों को तो रोका नहीं जा रहा है और विरोध करने वालों पर लाठियां भांज रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि जिस प्रकार स्वच्छता में हम 4 बार नंबर 1 आए हैं, वहीं प्रदेश में अपराधों में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पहले कांग्रेस के राज में कोई बेटियों पे ऐसा अत्याचार नहीं होता था। जब से भाजपा की कांग्रेस आई है सरकार, जब से बेटियों का ही सुनने में आ रहा है। जब जिस देश में जाते हैं उसी देश में बोलते हैं कि कांग्रेस सही थी पहले, और अभी महिला उनके थ्रू जो बातें हो रही है और जो बेटियों को बोल रहे हैं, ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। उनको सूचना करो कि वो बेटियों पे अत्याचार नहीं करे। और मामा जो बोलते हैं वो सारी बातें गलत है। भांजी बोलते हैं उनके पे अत्याचार करते जाते हैं। बलात्कार हर शहर में होता जा रहा है, कोई रोके नहीं जा रहा। पुलिस करने जाओ तो पुलिस बोलती है कि नहीं, रिपोर्ट लिखते हैं, उनको भगाते हैं वो लोग। ललिता शिटोले बात हो गई है। और सबसे घिनौनी बात यह है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहलाने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च करता है। जितना पैसा विज्ञापन में खर्च होता है उसका 10% अगर बच्चियों की सुरक्षा के लिए खर्चा किया जाए तो मुझे लगता है महत्व की बात होगी। पूर्व में सुनने में आया कल कि बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंग रेप के तौर पे एक बच्ची के साथ में इतनी शर्मनाक जघन्य घटना की कि बोलने में शर्म आती है। प्रदेश की स्थिति यह हो गई है कि बच्चियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है, और हमारे जो मामा है शिवराज जी, वो आए दिन बस पेपर और फोटोबाजी में निहाल है। इसी को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने बेटियों के सम्मान में एक लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी विरोध के जरिए शिवराज जी का पुतला जलाना चाह रही थी, मगर जैसे कि होता है शिवराज ने हमेशा पुलिस को आगे किया है, आज भी वही हुआ और बलपूर्वक हम सबको रोका गया। मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो ना रुका है ना झुका है। हम लड़ेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। आपका नाम? सन्नी गवाई, उपाध्यक्ष इंदौर युवक कांग्रेस। आपका